यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने फोन में केयर हेल्थ ऐप यानी कस्टमर ऐप आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आपको अगर आईफोन है, ये आईफोन है, तो यहाँ पर आप एप्पल जाके आप केयर हेल्थ इंश्योरेंस डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन से कर रहे हो तो आपको प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और केयर हेल्थ इंश्योरेंस डालना है नाम, तो आपको ये केयर हेल्थ कस्टमर ऐप दिखेगा। वहाँ पर आप ओपन करने पर, ये ऑलरेडी मैंने पॉलिसी अपनी यहाँ पर एंटर कर दिए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये केयर ऐप से आप क्या क्या बेनिफिट कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में आपको ये आपको दिख रहा है कि ये कौन सी पॉलिसी है, पॉलिसी नंबर क्या है। आपको सिर्फ पॉलिसी नंबर एंटर करना है, आपको OTP आ जाएगा। खाली आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर होना चाहिए। जब भी आप पॉलिसी खरीदे होंगे तो वहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपने पॉलिसी परचेज के लिए आपने डाला होगा तो वो नंबर पर OTP आएगा, तो इतना आप ज़रूर याद रख लीजिए। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका नाम आ जाएगा, आपका एज आएगा, एड्रेस आ जाएगा, नोटिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, टोटल कितने पॉलिसी है, ये सब आपको यहाँ पर दिखते हैं। सपोज टोटल पॉलिसी पे मैं काउंट कर देता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर धीरे धीरे ये खुल जाएगा। कुछ टाइम लग रहा है लेकिन सारे पॉलिसीज आपके अगर 2-3 GB होंगे पॉलिसी, सारे डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये सारे पॉलिसीज आपके आ गए 2018 से लेके, आप अगर देखेंगे आप 17 से लेके यहाँ पर पॉलिसीज देख रहे हैं। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। कैशलेस कार्ड का अगर देखना है, ये माई डिटेल्स में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर माई डिटेल्स को क्लिक करता हूँ तो ये सारे पॉलिसीज के डिटेल्स आप देख सकते हैं, मेम्बर नेम और सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। बोनस कितना हुआ, आपका कस्टमर आईडी कौन सा है, आपकी पॉलिसी टोटल कितने की है, अब उसकी कीमत कितनी है, कितना कवर है। अगर आपको कैशलेस कार्ड चाहिए तो आप ये देख लीजिए, सेकंड येल्लो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये कार्ड है। आप अगर चाहते हैं तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, और आप अगर चाहते हैं इसका कार्ड बनाना है तो आप इसको डाउनलोड करके आप लैमिनेट करके आपके जेब में रख सकते हो या आपके पर्स में रख सकते हैं। इसकी ज़रूरत होगी नहीं बिकॉज आज के डेट में मोबाइल है, तो मोबाइल पर आपके ये सारे कार्ड्स हैं और ये ऐप है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपका अगर पॉलिसी, मैं क्लेम जीनी यहाँ पर बताता हूँ, मैं क्लेम इंटीमेशन के बारे में बाद में बताता हूँ, चलो पहले मैं क्लेम इंटीमेशन की। अगर सपोज कोई क्लेम है, आपको क्लेम करना है, आपको हॉस्पिटलाइज की बेनिफिट अगर आपको चाहिए, तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर क्लेम जीनी में मैं क्लिक किया तो यहाँ पर आपको अगर सपोज क्लेम इंटीमेशन देना है तो आप क्लेम इंटीमेशन दे सकते हो। आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे जाके आप कहाँ पर भी कैशलेस चाहिए, रीइंबर्समेंट चाहिए, आपको जो चाहिए, आपके खाली 4 questions में आपका पूरा क्लेम इंटीमेशन हो जाएगा। अब अगर देखेंगे यहाँ पर बहुत ही अच्छी सुविधा उन्होंने दी है क्लेम इंटीमेशन के लिए, क्लेम टाइप कौन सा है, इंडोर हॉस्पिटलाइजेशन है, अगर आप ट्रैवल पॉलिसी करते हैं और बाहर चलते हैं तो वहाँ पर ट्रैवल का क्लेम भी आप कर सकते हो यहाँ से। अगर आप सब कैटेगरी देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है, हॉस्पिटल्स आपको चाहिए तो भी यहाँ पर दिया हुआ है, हॉस्पिटल नाम आपको चाहिए तो आप एंटर करके देख सकते हो आपके एरिया में। जैसे कि हम मुंबई में हैं तो आज मुंबई में यहाँ पर अगर आप देखना है तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो हॉस्पिटल का नाम, स्टेट आपको याद से यहाँ पर करना है। तो बेसिकली अभी यहाँ पर हम कुछ एंट्री नहीं किए इसलिए ये दिख नहीं रहा है, आगे नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी आप अगर देखेंगे, चलो यहाँ पर अभी देखिए मुंबई के लिए हॉस्पिटल्स, महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स देखते हैं, महाराष्ट्र में हॉस्पिटल सिटी कौन सी है, तो मैं मुंबई लिखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर मुंबई लिखने पर ये सारे आपके हॉस्पिटल्स आ जाएंगे। आप अगर देखेंगे ये सारे मुंबई के हॉस्पिटल्स हैं और आप यहाँ से आप कोई भी हॉस्पिटल चूज़ कर सकते हो जहाँ पर आपको एडमिशन लेना है या आपके डॉक्टर कनेक्टेड हो। तो कभी इंश्योरेंस कहते हैं ना, इंश्योरेंस इज बॉट व्हेन इट इज़ नॉट नेसेसरी, वैसे ही आपने मेडिक्लेम तो खरीदी लेकिन जब भी क्लेम आता है तभी अगर आप ये एक्टिविटी करेंगे तो शायद आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए जब भी आप परचेज करते हो तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपके नज़दीक हॉस्पिटल्स कौन से हैं और यहाँ पर वो हॉस्पिटल्स है ही, इसके नाम है कि नहीं। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ये ऐप डाउनलोड करने के लिए कहिए और पॉलिसी का नंबर खाली आपको याद रखना है तो, और मोबाइल नंबर, बाकी सब ईजी है। हाँ, एज ए एजेंट एडवाइजर हम जरूर हेल्प करेंगे, आप हमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 24/7 आपके हाथ में ये फोन होता है तो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर आप अगर देखेंगे रीइंबर्समेंट, सपोज कैशलेस नहीं है कि नेटवर्क में हॉस्पिटल नहीं है लेकिन आपको फिर वहाँ पर पैसे देने पड़ते हैं रीइंबर्समेंट, तो रीइंबर्समेंट का टाइप, ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं आप देखेंगे अलग अलग, इसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग वीडियो बनूंगा क्लेम के लिए, लेकिन मैं अभी जो बना रहा हूँ ये वीडियो है आपको ये ऐप कैसे यूज करना है, तो ये आप देख लीजिए
यहाँ पर हो गया, ये क्लेम इंटीमेशन के बारे में हो गया यहाँ पर। अभी आप देखेंगे दूसरा कि ट्रैक, आपका क्लेम अगर ट्रैक करना है तो आप यहाँ से क्लेम भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर क्लेम एक बार इंटीमेट कर दिया तो उसके बारे में डिटेल्स आपको सारे यहाँ पर दिखने शुरू हो जाएंगे। अभी यहाँ पर हमने कोई एंट्री नहीं की क्योंकि कोई क्लेम एंटर नहीं किया हुआ है। सॉरी, क्लेम प्रोसेस, अगर आप क्लेम प्रोसेस देखेंगे तो ये बहुत सारे दिया हुआ है कि आप अगर चाहते हो तो रजिस्टर कर दीजिए, आप जो भी चाहते हैं यहाँ पर डिटेल्स दिए हुए हैं कि आपके डिस्चार्ज स्लिप होनी चाहिए, हॉस्पिटल बिल अलग होनी चाहिए, ये एफ आई आर कॉपी अगर कोई एक्सीडेंटल केस होती है तो उसके बाद, तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी है। कैशलेस में भी दिए हुए हैं कि आपको क्या करना है, और एफ ए क्यूज भी दिए हैं कि आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ पर आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अगर देखेंगे लास्ट में दिया है ई क्लेम फॉर्म, यहाँ पर आपको ई क्लेम फॉर्म भी आप अगर चाहते हो तो आप भर देख सकते हैं। यहाँ पर क्लेम नहीं है इसलिए ये दिख नहीं रहा है, इसका अगर क्लेम होगा तो हम ज़रूर बताएंगे। इसके बाद हम आते हैं हेल्थ चेकअप। दोस्तों, अगर आपने हेल्थ चेक का चेकअप, फ्री हेल्थ चेकअप का अगर ऑप्शन लिया हुआ है आपके पॉलिसी में, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप जहाँ पर भी आप चाहते हो 365 डेज पॉलिसी के रिन्यू होने से पहले, आप जब भी रिन्यू किए हो या न्यू पॉलिसी ली है और रिन्यूअल नेक्स्ट रिन्यूअल के पहले, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर अभी मैंने कुछ बुकिंग नहीं किया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन एग्जिस्टिंग अगर कोई अपॉइंटमेंट होगी तो मैं यहाँ से फ्री हेल्थ चेकअप, पेड हेल्थ चेकअप हम चाहते हैं तो यहाँ से एंट्री कर सकते हैं दोस्तों। तो रिन्यूअल, यहाँ अगर आपको रिन्यूअल के समय आपको पॉलिसी रिन्यू करनी है तो जस्ट क्लिक कीजिए, और आप अगर देखेंगे तो आपकी पॉलिसी रिन्यूअल के लिए रेडी हो जाएगी। योर पॉलिसी इज ड्यू फॉर रिन्यूअल ऑन 8/3/24, मैंने अभी ही मार्च में हमने रिन्यू की है। यू कैन रिन्यू एनी टाइम आफ्टर 8/12/23, इसका मतलब थ्री मंथ्स इन एडवांस आप कभी भी आप पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं, यहाँ पर डिटेल्स मिल सकते हैं। आप अगर देखेंगे पॉलिसी रिलेटेड सर्विस, आपको पॉलिसी की सर्टिफिकेट चाहिए तो आप पॉलिसी सर्टिफिकेट कौन से ईयर का आपको चाहते हो, 2023, यहाँ पर हम डाउनलोड करने के लिए रख सकते हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो दूसरी चीज़ें दी हुई है वो है आपको इनकम टैक्स के लिए, जैसे सर्टिफिकेट आपको अगर देनी है आपके सीए को तो यहाँ से सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये हो सकता है यहाँ पर। इसके बाद आप अगर देखेंगे, आपको अगर एड्रेस चेंज करना है पॉलिसी में, जो एड्रेस है उसे चेंज करना है, कुछ चीज़ें होती है ना कि चेंज इन एड्रेस, चेंज इन मोबाइल नंबर, चेंज इन ईमेल आईडी, चेंज इन नॉमिनी, चेंज इन डेट ऑफ बर्थ, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, एडिशन ऑफ अ बेबी, अपडेट पैन कार्ड डिटेल्स, अल्टरनेट चार्ज, अगर अल्टरनेट नंबर को चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप कर सकते हैं। चलो एक मैं आपको करने की कोशिश करता हूँ और आपको बता दूँ कि मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया है एग्जांपल, या ईमेल आईडी मेरा चेंज हो गया, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर अपडेट योर ईमेल आईडी और यहाँ पर कर दूँगा, और आप अगर देखेंगे अप्लाई कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा दोस्तों। इतना आसान है, एक ओटीपी आ जाएगा शायद और वो आप अगर एंट्री करेंगे तो हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली आप अगर देखेंगे यहाँ पर मेरा पैन कार्ड नंबर इंटर, न्यू पैन कार्ड नंबर, ये तो सेम है तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं है। तो ये बेनिफिट आपको दिए हुए। माई रिक्वेस्ट स्टेटस, अभी रिक्वेस्ट स्टेटस में क्या है, आपका अगर कोई केस है, आईडी है, कुछ आपके रिक्वेस्ट है तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। कैशलेस कार्ड का सॉफ्ट कॉपी आपको अगर चाहिए, मैंने जैसे पहले ही बताया, आप यहाँ से डाउनलोड करके उसकी प्रिंट आउट कॉपी कर सकते हैं, आप अपने लिए उसका लैमिनेट करवा सकते हैं। डिस्काउंट कनेक्ट और जनरेट, जैसे कूपन होता है वो वैसे आप कूपन जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिस्काउंट के लिए आप अगर देखेंगे डिस्काउंट कनेक्ट, ये रिन्यूअल के समय काम आ सकता है कभी कभी, तो यहाँ पर प्रोवाइडेड उन्होंने दिए हुए हैं सारी चीज़ें कि आपको ये सारे डिस्काउंट कभी हो सकते हैं जब भी आप एक सर्टन चीज़ें फॉलो करती हैं। जैसे कि अभी सपोज मैं देखता हूँ यहाँ पर मुंबई लिखा हूँ, ये मैं मुंबई में रहता हूँ, डायग्नोस्टिक सेंटर, कहाँ पर मुझे क्या क्या डिस्काउंट मिल सकते हैं, तो यहाँ पर दिए हुए हैं ये सारी चीज़ें, थायरो केयर, वैक्सीनेशन, विजन केयर, ऑनलाइन फार्मेसी, आयुष, डेंटल कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक, तो ये बहुत सारी चीज़ें। एग्जाम्पल के तौर पर हम चलो देखते हैं कि मुझे अगर ये ओपीडी, अगर मुझे थायरो केयर या कोई डेंटल प्रोसीजर करना है तो क्या मुझे ये डिस्काउंट मिल सकता है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, सर्च किया, सर्च करने पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे नाम आ सकते हैं यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर, ये पॉसिबल है। देखिए दोस्तों, या एक पॉलिसी लेने पर आप कितने सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं आपको पता नहीं, यू कैन सेव अप टू 50%,
मतलब अगर आप 30,000 रुपये 30,000 आप अगर भर रहे हो 50,000 भर रहे हो तो 25,000 तक का बेनिफिट मिल सकता है. देर आर मेनी वेज टू डू दैट. तो ये आप ज़रूर आपके एडवाइज़र से पूछिए, नहीं तो हमें भी आप पूछ सकते हैं. अलग अलग वेज है कि जैसे एडवांस प्रीमियम आप भर सकते हो 3 साल के 2 साल के. तो एडवांस प्रीमियम 3 साल के भरेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है. आप अगर 2 ईयर्स का एडवांस भरते हैं तो 7.5%. इतना तो आपको अगर देखेंगे तो वो पैसे FD में भी रखने के बावजूद आपको नहीं मिलने वाले. तो ये है अभी लास्ट. आप देखते हैं वेलनेस गुडनेस कंसल्टेशन. आपको अगर कंसल्टेशन करनी है बुक कंसल्टेशन तो ई कंसल्टेशन आप कर सकते हैं, जैसे कि सेकेंड ओपिनियन. ये सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों. पॉलिसी हम केयर के हजारों पॉलिसीज हम बेचते हैं डेली. अगर आप देखेंगे तो ये एक जो फैसिलिटी दी है इसके लिए मेरे पास कम से कम नहीं बोले तो 300 पॉलिसीज हमने बेची है ओनली ऑन दिस पॉइंट. तो ये बहुत लोगों को पसंद आता है कि सपोज आपको अगर कोई घर के फैमिली मेम्बर जो जिन्होंने पॉलिसी ली है उनके लिए उनके बारे में अगर कोई हेल्थ के लिए इश्यूज है और आपको अगर सेकेंड ओपिनियन लेना है तो आप ये प्रिस्क्रिप्शन आपका अपलोड करना है यहाँ पर और आपको ये कंसल्टेशन बुक करना है. तो ये ई कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों. सो दिस इज समथिंग वेरी 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 हेल्पफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट और ये आप बेनिफिट ले सकते हैं दोस्तों. क्योंकि ये आज की ज़िंदगी में अगर आप देखेंगे आज के डेट पे कि डॉक्टर्स हमारे पास कभी अगर एक कोई डायग्नोसिस होता है तो वी डोंट ट्रस्ट. समटाइम्स कोई बड़ी बीमारी आती है या कुछ आती है तो समटाइम्स वी वुड लाइक टू टेक साल में लेकिन एक बार ही कर सकते हैं, ये आप ध्यान रख दीजिए. तो ये पॉलिसी होल्डर को ही बेनिफिट मिल सकता है दोस्तों. दूसरा अगर देखेंगे तो आपको नेटवर्क यहाँ पर दिए हुए कि नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स अगर आपको देखने हैं तो आप यहाँ पर आप डाल के आप एवरीडे कौन से भी हॉस्पिटल लोकेटर देखना है क्या देखना है तो आप आराम से दिल्ली में मुझे देखना है एग्जांपल दिल्ली में कहाँ पर मुझे न्यू दिल्ली में देखना है तो न्यू दिल्ली में ये देख लीजिए ये सारे हॉस्पिटल्स आ गए. तो अक्रॉस इंडिया कहाँ पर भी आप देख सकते हैं विच इज़ वेरी हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट. आई थिंक दिस इज समथिंग विच विल पीपल विल लाइक इट. हम चलो देखते हैं, मुझे पता नहीं है लेकिन ये अंडमान पे निकोबार अरे वाह देखिए दोस्तों वहाँ पर भी ये आपको दिया हुआ है बेनिफिट के लिए कि आप सर्च करके देख सकते हैं. सो देर आर मेनी वेज. आप अगर देखेंगे चंडीगढ़ में देखना है, आप अगर कहाँ पर विजिट के लिए गए और चंडीगढ़ ऑफिस अगर आप जाते हैं कोई काम से तो यहाँ पर सारे हॉस्पिटल हैं. सो दिस पॉलिसी और ये ऐप जो है आपको इंडिया में कहाँ पर भी आपको ये बेनिफिट मिल सकता है. आपको पॉलिसी का सपोर्ट अगर कोई चाहिए तो ये सपोर्ट के लिए भी आपको चैट सर्विसेज है. आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ चैट सपोर्ट से कर सकते हैं. अब अगर दूसरी बात लास्ट देखेंगे आपको और एडिशनल पॉलिसी लेनी है तो भी आप यहाँ बाय अ न्यू हेल्थ इंश्योरेंस या क्वेरी रिलेटेड एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आप लिख सकते हो या आप हमें बता सकते हो कोई भी चीज़ें. एग्जाम्पल आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है तो अगर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है एग्जाम्पल के तौर पे और मैं ट्रैवलिंग टू US जा रहा हूँ मानो US यूनाइटेड अमेरिका ओके और ट्रैवलिंग टू सपोज मैं लिखता हूँ कैलिफोर्निया का लिखता हूँ ट्रैवलिंग टू ये चलो यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या दिया है इन्होंने चलो कनाडा दिया है हमें एग्जाम्पल मल्टीपल ट्रिप्स नो एक ही ट्रिप. तो आप देखेंगे दोस्तों आप ये इजीली ये सारे भर के आप पॉलिसी ले सकते हैं. मतलब हमारी हेल्प तो आपको ज़रूर होगी बट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन हेल्प योर सेल्फ ऑल्सो इन दिस वे. सो ये ऐप बहुत काम का है दोस्तों. आप यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ राइट में क्या क्या दिए हैं आप देख लीजिए. लेफ्ट में माई अपॉइंटमेंट्स दिए माई डाउनलोड दिए माई न्यू पॉलिसी है चेंज पासवर्ड है अगर किसी को रेफर करना है तो भी आप कर सकते हो. माई डाउनलोड ये अभी जैसे हमने डाउनलोड किया था हेल्थ कार्ड तो आप कर सकते हो दोस्तों. पॉलिसी के ऊपर क्लिक करने पर ये सारे कितने और बहुत सारी पॉलिसीज आपके फैमिली मेम्बर के होंगे तो आप इसको ये प्लस साइन पर मैप योर पॉलिसी कर सकते हो और वहाँ पर पॉलिसी नंबर ऐड करके यहाँ पर मैप कर सकते हो. आई होप ये आपको वीडियो बहुत काम का होगा और मैंने डिटेल में आपको समझाया हुआ है तो यहाँ पर खाली देख लीजिए चेक कर लीजिए आपके नाम और मेनी अदर थिंग्स. सो मे गॉड ब्लेस यू दोस्तों और मैं यहाँ पर ये वीडियो एंड करता हूँ. ऐसे ही बहुत सारी जानकारी और आगे मैं आपको ज़रूर दूंगा.